सारी व्यवस्था पूरी फेल है। सब दिखावे है, सब बेचत पैसे खा रहा है। जितना भी सरकारी सिस्टम है सब पैसे खाता है। सब कुछ मिलता है लेकिन बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता। सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है। कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहती है उनके पास सब इंतजाम है। सब अरे कहाँ इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो यहाँ, हम दिखाएंगे कहाँ इंतजाम। उनके आदमी को एडमिट करके दे। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है सर? हॉस्पिटल में इस समय सिलेंडर नहीं है। कितने भी आदमी मर सकते हैं? सर भाग के जा, भाग के जा। सर बहुत तड़प रहे हैं। सर मेरी बुआ जी एडमिट है यहाँ पे। सर ये पूरी हालात हो चुकी है। सर हॉस्पिटल हॉस्पिटल बेचारा पूरी हेल्प कर रहा है, पर हॉस्पिटल कहाँ से पैदा करी? अब सरकार ही नहीं दे रही। तो भाई है मेरा इसमें, उसी की वो है गिरी भी है। कोई गाड़ी की एक नंबर से बंद कर दिए जी। और वहाँ फोन करो कोई भी नहीं आ रही गाड़ी। भाई यहाँ पे अभी अभी बंद करी है और सही चल रही थी यहाँ पे, कोई दिक्कत अभी वहाँ पे भी फोन करा कोई रिस्पॉन्स नहीं। 102 पे भी जी कर रहे हैं। तीन जनों ने तो मेरे भाई का नाम लिख लिया और तीनों ने बोला जी अभी भेज रहे अभी भेज रहे। अभी तक नहीं आई ऑक्सीजन वाली गाड़ी उनकी, सरकार वाली भी। सर अभी तक सर हॉस्पिटल की तरफ से पिछले आधे घंटे से सर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और हमने सब लोगों को दिल्ली जाने के लिए मीडिया से झूठ बोल रहे हैं सारे। क्या ये वाले कोई कहता कि पानी मत पिलाओ, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, मशीन खराब है, चार चार बार बंदा मतलब कोलैप्स हो चुका है। पार हो रहे हैं।
चलो अंदर पीछे हो जाए हाँ सर, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण तीन जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है और एक वार्ड के अंदर चार मरीज हमारे मर चुके हैं सर, एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन आई कितनी देर की है सर? लगभग सर पौने घंटे चलेगा सर। पौने घंटे के बाद सर हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, प्रशासन को बार बार फोन किया जा रहा है और सर हमने ये जो खाली सिलेंडर है लोड करवा के दोबारा हम वही वेंडर के पास भिजवा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जाम भी लगाया हाँ सर, अभी सर परिजन बहुत परेशान है सर, इवन सर हम भी ऐसी स्थिति पैदा की जो बार बार सारी सीएमओ की गुंडा करती है, प्रशासन की गुंडा करती है सर। सुबह नौ बजे से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन भेज दीजिए, हमारे पास एक घंटे का स्टॉक है सर। मैं इवन जब मेरे पास 10 मिनट का स्टॉक था, 5 मिनट का सर, हर बार मैंने फोन करके बोला है सर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का स्टॉक रह रहा है सर, उसका उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक सीएमओ परमिशन नहीं देंगे जब तक हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। सीएमओ साहब का पूछा गया, पता किया गया, सीएमओ साहब मीटिंग में सुबह से चल रहे हैं सर। आप भी गए थे मीटिंग में? मैं भी मीटिंग में गया था लेकिन मीटिंग में सर यही कहा था कि जब तक सीएमओ सर परमिशन नहीं देंगे हम आपको एक भी सिलेंडर की परमिशन नहीं देंगे, सप्लाई नहीं करेंगे। सर हम ये मांग करते हैं सर, हमारी जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन सर इतनी बुरी वर्स्ट सिचुएशन है कि कम से कम सर 300 सिलेंडर की पर डे की इंजेक्शन है सर हमारी, जो सर पेशेंट 114 पेशेंट सर मेरे पास एडमिट है, पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट मेरे पास सर एडमिट है 114 पेशेंट सर।